हेलो फ्रेंड्स आई एम सी ए पुरुषोत्तम अग्रवाल आज एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मैं आपसे यहाँ पर आया हूँ आज हम जानेंगे कि कॉस्टिंग का जो पेपर है इसमें किस तरीके से हमें टैकल करना चाहिए स्पून फीडिंग ऑफ क्वेश्चन वर्सेज ओन अटैम्प ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल जो कुछ टीचर्स हैं वो बच्चों को स्पून फीडिंग कराने में लगे हुए हैं उनकी बुक्स के अंदर थाउजेंड ऑफ़ क्वेश्चन हैं और वो सारे क्वेश्चनस को क्लास में सॉल्व करवाते हैं और कॉन्सेप्ट सिर्फ लिखवा देते हैं फॉर्मूला सिर्फ लिखवा देते हैं तो उससे होता क्या है आपको जब कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आएगा आप उस आपके पास जब उसकी बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी तो कोई भी नया क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर आ गया तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे और कोई क्वेश्चन जो एग्ज़ाम क्लास में किया हुआ भी आया तो आपको बहुत तकलीफ होगी उसको रिवाइज करने के अंदर क्योंकि थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन आपके क्लास में करवाए जाते हैं उस केस में क्या होगा आपको आपके ऊपर एक बर्डन रहेगा कि भाई हजार क्वेश्चन मुझे याद करने हैं आप उन्हें समझेंगे नहीं आप उन्हें याद करेंगे क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड ही नहीं होगा कॉन्सेप्ट का कि ये कॉन्सेप्ट क्यों बना कैसे बना या फिर इस क्वेश्चन को हमने ऐसे ही क्यों सॉल्व किया क्या कोई और टेक्निक या समझ इसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आजकल हो रही है स्पून फीडिंग ऑफ क्वेश्चन तो अब बता मैं बताता हूं आपको टेक्निक टू डेवलप माइंड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन कॉस्टिंग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेक्निक क्या डेवलप होनी चाहिए किस तरह हम उसको डेवलप करें अपने माइंड को इस तरह डेवलप करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को डीपली समझें विद लॉजिक यानी आप एक ऐसे टीचर के पास जाएं जो आपको लॉजिक समझाए फॉर्मूले का और जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको डीपली समझाए उसको सिर्फ याद नहीं कराए उसको समझाए समझने के बाद भले ही आप उसे याद कर लें क्योंकि आपको याद करने के बाद भी उसका बैकग्राउंड उसकी नॉलेज होगी ऐसे कुछ फार्मूलेज हैं ई ओ क्यू कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट इन फार्मूलोज का बेसिक कि ये फार्मूला आखिर ऐसा क्यों बना तो कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए उसके बाद ये बात ध्यान रखें कि एग्जाम में पेपर देने आप जाएंगे आपका टीचर नहीं जाएगा और अगर आपने स्पून फीडिंग करी सारे के सारे क्वेश्चन आपको सर ने सॉल्व करा दिए और आपने बस कॉपी में लिख लिया तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आपकी प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझें आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझें और उसके बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने में सक्षम हो अगर ऐसा हुआ तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली टारगेट कर लेंगे और उसमें अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं तो कभी भी उस टीचर को ज्वाइन मत करिए जो सिर्फ फॉर्मूला बता रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा है लॉजिक तो दे ही नहीं रहा आपको थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन करवा रहा है चूज ए टीचर गिविंग रीजन लॉजिक बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्योंकि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है और उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन वो क्लास में आपको कराए कुछ टेक्निकल और टिपिकल क्वेश्चन वो क्लास में आपको कराए ताकि उससे आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और बढ़े इस तरीके के टीचर को आपको चूज करना चाहिए चूज टीचर गिविंग सम होमवर्क ये बहुत जरूरी है आपने स्कूल टाइम में देखा होगा हर टीचर बच्चे को होमवर्क देती है उससे होता क्या है बच्चे का सेल्फ डेवलपमेंट होता है क्लास में पहले सिखाया समझाया उसके बाद क्वेश्चन दिया घर पे करने के लिए तो जब वो क्वेश्चन वो घर पे करेगा तो वो सोचेगा समझेगा और उस कॉन्सेप्ट को और डीपली समझ जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएगा ऐसा करने पे क्या होगा एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर देंगे एक बार को मैं ये मालूम कि बहुत टफ क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है तो कोई बात नहीं आप सेवनटी एट्टी परसेंट तो सॉल्व कर देंगे उसको जो मार्क्स आपके जीरो होने वाले थे कुछ तो मिलेगा आपको आठ मार्क्स दस मार्क्स छः मार्क्स कुछ मार्क्स तो मिलेंगे और याद रखिए सी एग्जाम के अंदर एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो टेक्निक क्या होनी चाहिए सबसे पहले किसी भी चैप्टर को समझें और रोज सिर्फ एक घंटा निकालें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने के लिए अपने खुद के माइंड का यूज करते हुए बस आंसर को टैली करना भी मतलब ठीक नहीं है स्टार्टिंग अपने माइंड को डेवलप करें चूज नेवर चूज अ टीचर हु जस्ट वेस्ट योर प्रीसीस टाइम बाय मेकिंग जोक्स इन क्लास फॉर आवर्स आजकल ऐसा देखा गया है कि लोग लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं टीचर्स पांच घंटे की साढ़े चार घंटे की चार घंटे की लेकिन उस क्लासेस के अंदर इफेक्टिवली वो डेढ़ घंटा या दो घंटा ही पढ़ाते हैं बाकी दो घंटा तो वो जोक वर्ज करते रहते हैं तो उससे होता क्या है एक तो आप डाइवर्ट होते हो आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है और आपकी जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है अगर दिन के इफेक्टिव आवर सिर्फ आठ या दस है उसमें से अगर पाँच घंटे आपने ऐसी क्लासेज में लगा लिए तो आपका बहुत समय वेस्ट हो जाता है तो उस तरीके की क्लासेस आप ज्वाइन करें जहाँ पर जो टीचर अगर चार घंटे क्लास भी ले रहा है तो सिर्फ चार घंटे आपको क्वेश्चंस कराए कॉन्सेप्ट समझाए आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग और थोड़ा बहुत जोक ठीक है बट ढाई ढाई घंटे दो दो घंटे के जोक्स तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम है कोई ऐसा टीचर भी सिलेक्ट ना करें जो आपको थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन कराए उससे क्या होता है स्टूडेंट जो टीचर क्या करते हैं नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत बढ़ा देते हैं तो दिक्कत ये होती है बच्चे का प्रीसीस टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है क्योंकि आपको थाउजेंड ऑफ़ क्वेश्चन नहीं कर रहे आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं बेसिक फिर करने हैं टिपिकल क्वेश्चन और उसको करने के बाद आप इतने सक्षम हो जाने चाहेंगे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप इजीली सॉल्व कर लें तो ये टेक्निक होनी चाहिए टीचर को चूज करते वक्त अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व ओनली वन और टू क्वेश्चन डेली आपको क्या करना है रोज एक क्वेश्चन लेना है भले क्लास में करा हुआ हो या नहीं करा हुआ हो या टीचर ने होमवर्क दिया हो एक घंटा या आधा घंटा उस क्वेश्चन के और बैठ के सोचे कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूं उसका आंसर जो नेट आंसर है वो वा आपके पास होना चाहिए पूरा सॉल्यूशन नहीं नेट आंसर इस तरह अगर आप प्रक्रिया डे बाई डे की बनाएंगे तो धीरे धीरे आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी जो नॉलेज है वो वाइडन हो गई है और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आप सक्षम होंगे और क्लास एग्जाम एग्जाम से पहले आपको सिर्फ चार से पांच घंटे चाहिए होंगे अपने पूरे कोर्स को रिवाइज करने के लिए कॉस्टिंग के क्योंकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करने होंगे जो कि आपको पहले समझ में आ चुके होंगे तो आपको याद करना आसान रहेगा और उसके बाद जो थ्योरी आपको याद करनी है समझनी है वो भी आप इजीली कर लेंगे तो मैक्सिमम फाइव टू सिक्स आवर के अंदर आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम होंगे उसके बाद मैंने अपनी ये फेसबुक आईडी डी यहाँ पर आपको दे रखी है इस तरह की यूजफुल वीडियोस में उसे डालता रहता हूँ आप इस आईडी पे पर आकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप स्पून फीडिंग से बचेंगे और अपना प्रीसियस टाइम्स जो वाली क्लासेस में वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो टाइम आपका ये बहुत कीमती है आगे पूरा जीवन आपका इसी पर निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी सी बने जितना जल्दी आप सी बनेंगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ेंगे Thank you.